शॉपिंग करने गया, लेकिन ये शॉपिंग उसके लिए शॉकिंग बन गई क्योंकि इस बीच हुई पत्नी के प्रेमी की एंट्री। फिर क्या हुआ सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, मोहब्बत का करार, करवा चौथ पर बीवी फरार, वो चली प्रेमी की गली, करवा चौथ की शॉपिंग बनी शॉकिंग और चांद बदल गया। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने सुहाग की सलामती की दुआ मांगती हैं। पति पत्नी के मोहब्बत का दिन भी इसे कहा जा सकता है। एक दूसरे को तोहफे भी दिए जाते हैं, लेकिन भिंड में रहने वाले एक पति को उसकी पत्नी ने ठीक करवा चौथ से एक दिन पहले ऐसा गिफ्ट दिया कि पति सीधे थाने पहुंच गया। इस तहरीर में उस पति का दर्द छुपा है। बेचारा पति पत्नी को बाइक से करवा चौथ की शॉपिंग करवाने ले गया, लेकिन ये नहीं पता था कि पत्नी ऐसा शौक देगी। पूरा मामला आपको बताते हैं। भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के सूरजपुर गांव का ये मामला है। आवेदन में जो लिखा है उसे सुनिए। नीरज अपनी पत्नी कल्पना को करवा चौथ की शॉपिंग कराने ले गया। इस बात से बेहद खुश था कि उसकी पत्नी उसके लिए व्रत रख रही है, लेकिन इस शॉपिंग पर या कहें व्रत पर कल्पना की कल्पना में कोई और तस्वीर थी। बाजार में लौटते वक्त रास्ते में आकाश नाम का लड़का अपने साथियों के साथ आया। बीवी का प्लान करवा चौथ पर प्रेमी आकाश के साथ भागने का था और नीरज की आंखों के सामने उसकी पत्नी प्रेमी के बाइक पर बैठी और शायद यही कहा, अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। उसके बाद तो नीरज को समझ में नहीं आया वो क्या करे। दरअसल नीरज दिल्ली में रहता था, तब दिल्ली में कल्पना की मुलाकात आकाश से हुई। दिल्ली में आकाश से दिल लगा और भिंड में शादीशुदा रिश्ते को मिला एक बार फिर धोखा। 15 साल का शादीशुदा रिश्ता करवा चौथ पर टूट गया। करवा चौथ की रात चांद ही बदल गया। पति को छोड़कर पत्नी प्रेमी की गली चली गई। भिंड में रीवा रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। होशियार